भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा। आज तारीख है 19 सितंबर और 9 बजे टॉस होगा, 9:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। मौसम की क्या अपडेट है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है आज की, और दोनों ही टीमों में क्या बदलाव की गुंजाइश है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, चेन्नई के चेपॉक में ये मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, प्रैक्टिस जम कर हुई है। टीम इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस की है और यहाँ पर भारतीय टीम में कुछ ज़्यादा बदलाव होने की गुंजाइश है नहीं। आपको याद होगा कि लगभग 30-40 दिन हो गए कि टीम इंडिया ने कोई मुकाबले नहीं खेले हैं, और टेस्ट की बात की जाए तो वो जनवरी और फरवरी में खेले थे इंग्लैंड के सामने, वहां पर विराट कोहली नहीं थे। तो विराट कोहली के आने की वजह से ऑब्वियसली कि बल्लेबाजी थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो टीम इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें आपको यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा कप्तान, नंबर 3 पर शुभमन गिल जो चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस करने की बात करते हैं, नंबर 4 पर आपको विराट कोहली, किंग कोहली फिर से मिलेंगे, नंबर 5 पर आपको केएल राहुल, 6 पर ऋषभ पंत, लगभग 600-700 दिन बाद वापसी हो रही है ऋषभ पंत की। तो नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर जडेजा, 8 पर अश्विन, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर बुमराह और 11 पर सिराज। कुलदीप यादव को चांस ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अक्षर पटेल, क्योंकि वो क्वालिटी स्पिन ज़्यादा करा रहे हैं, हमने देख भी रखा है कैसी गेंदबाजी करते हैं वो। और वहीं पर सिराज और आकाश डीप में थोड़ा सा टक्कर लग रहा था, लेकिन अब लगभग साफ है कि सिराज पहले टेस्ट में जाएंगे, और टीम इंडिया 2 तेज गेंदबाजों के साथ तो ज़रूर उतरेगी, चाहे जितना भी स्पिन ट्रैक क्यों ना हो। पिच रिपोर्ट की बात करें तो लाल मिट्टी पर ये मुकाबला खेला जाएगा, लगभग 3-4 दिन मैच चलने की पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि 2-2.5 दिन में खत्म हो जाएगा, हालांकि ज़्यादा खराब बल्लेबाजी ना करे कोई टीम तो। स्पिनर्स को मदद मिलेगी, अमूमन मिलेगी, चेन्नई का चेपॉक मैदान है, अच्छा विकेट हो गया था, हमने T20 IPL में देख रखा है, अच्छी बल्लेबाजी होती है यहाँ पर, लेकिन दिन में गर्मी बहुत होती है तो ह्यूमिडिटी होगी, तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी। हालांकि ह्यूमिडिटी से गेंदबाज थकेंगे भी, तो आपको ज़्यादा स्पिन अटैक नजर आएगा। जो टीम ज्यादा संयम से खेलेगी वही टीम हावी हो पाएगी यहां पर, और बांग्लादेश को आप हल्के में नहीं आ सकते। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं आज बात करूं तो मौसम खुला नजर आ रहा है चेपॉक का, बारिश की आशंका कम है, लेकिन यहां पर कभी भी इंद्रदेव मेहरबान हो जाते हैं, कभी भी बारिश करा देते हैं, पर आज जो है वो लगभग 23-24% बारिश की आशंका है, बहुत कम होती। हालांकि ये अनुमान होता है, अनुमान गलत भी होता है और सही भी होता है, पर बारिश की आशंका है नहीं, पूरे 5 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है और एक अच्छा मुकाबला आज देखने को आपको मिलेगा। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो शांतो के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, आप अपनी स्क्रीन पर ये प्लेइंग 11 देख सकते हैं, और देखने वाली बात होगी कि कैसे बांग्लादेश टक्कर देगी भारत को, क्योंकि पाकिस्तान को तो हरा करा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।